मामला नसीराबाद के गोदाम मंडी का है, जहां 4 साल पूर्व एक महिला की शादी पास ही के गांव रमालिया में हुई थी। महिला के पति प्रेमचंद उदय ने शादी के तुरंत बाद ही महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया था। प्रतिदिन मारपीट करने लगे। पीड़ित महिला ये सब कुछ सहती रही। इसके बाद पति प्रेमचंद उदय ने पीड़ित महिला से उसके माता पिता के घर से पैसे लाने के लिए जोर देना आरंभ कर दिया, जिसका महिला ने विरोध किया। तो प्रेमचंद उदय ने शादी के मात्र 4 माह बाद ही महिला को उसके पीहर छोड़ दिया। पुलिस द्वारा भी मामले में समझाइश की गई, मगर पिछले 4 सालों से भटक रही महिला को इंसाफ नहीं मिला। पीड़ित महिला अब अवसाद में है। पीड़ित महिला ने गुरुवार को तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा के समक्ष पेश होकर भारत सरकार से तुरंत इच्छा मृत्यु की मांग की है। तक भी मुझे किसी ने कोई इंसाफ नहीं दिया। मैं जितनी भी हो सके कोशिश, मैंने हर किसी का दरवाजा खटखटाया, कानून, महिला आयोग, नाना जाने कहाँ कहाँ मैं गई हूँ, पर आज तक मुझे किसी ने राह नहीं बताई है कि हाँ आपका सब कुछ कुछ होगा। कभी कुछ नहीं हुआ। और तब से मैं मम्मी पापा के पास में हूँ, ना ही मैं कुछ कर पाती हूँ, ना ही पापा मम्मी अब बेरोजगार है, और अब मैं मेरा गुजारा कैसे चलाऊँ, मुझे आप बताइए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।